वर्षों का इतिहास ये जग युगों तक कहेगा सुनेगा। ये जर्रा नहीं है सूरज है हमेशा उजाला करेगा, हर पल उजाला करेगा, जल जल उजाला करेगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी क्योंकि विश्व वुड्स के सेटिंग में बड़ा टाइम 2-3 साल गया, इसलिए मैं फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि फिल्म एक बहुत फोकस और कंसंट्रेशन का काम है। तो अभी मेरी बेटी मेघना ने मुझे टाइम दिया कि आपको एक साल का हॉलीडे है, अभी अच्छी फिल्म बनाइए। तो लास्ट ईयर से मैं कांची में ही बिजी हूँ और कांची अभी मैं अगस्त में रिलीज़ कर दूँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट दे हैव गिवन मी ए टाइम, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आ जाया हूँ कांची का सेट छोड़कर ये बनाने के लिए। हिंदुस्तानी फिल्म ने बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट किए, सारी दुनिया में नाम है फिल्म चलती है, और सिर्फ हिंदी नहीं, हम कई जबानों में फिल्में बनाते हैं। वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, और उससे ज़्यादा इस बात की खुशी है पर्सनल लेवल के ऊपर कि फिल्म ऑफ द मिलेनियम जो है वो शोले को मिला है, जिसमें कि हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था। आज एक्चुअली एहसास हुआ कि सेलिब्रेशन कुछ हुआ है, बिकॉज आई रियली एडमायर द वर्क्स ऑफ दीज डायरेक्टर्स, एंड आई वाज विद देम ऑन अ पैनल डिस्कशन, विक्रम मोटवानी, अनुराग एंड अमोल गुप्ते, रियली लाइक देयर वर्क। एंड ये कॉलेज में आके, विसलिंग वुड्स में आके, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू कम टू सी द स्टूडेंट्स का काम, उससे पता चल रहा है कि 100 साल हुए हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो एक फेज था अपने सिनेमा में 80s का 90s का, अभी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं आजकल, काफ़ी अलग अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं आजकल, जैसे हम तीनों ने बनाई हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे सिनेमा इज गोइंग, आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर इन द नेक्स्ट 100 years, सो दैट एवरी काइंड ऑफ फिल्म कैन गेट मेड, एवरी टाइप ऑफ स्टोरी कैन गेट टोल्ड, एंड एवरी टाइप ऑफ डायरेक्टर कैन बी आउट देयर, एंड देयर इज अ फ्रीडम टू मेक व्हाट यू वांट। फिल्म हमेशा से एक ही काम करती रही, लोगों को खुशियाँ बांटती रही। मैंने जैसे अभी अंदर कहा, फिल्म ये हमारे 100 साल के हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम ईद, क्रिसमस, दिवाली सब में हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ राजनीति ने हिंदुस्तान को बांटा है धर्मों में, फिल्मों ने जोड़ा है, आई थिंक ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बच्चे लोगों के साथ तो आज बहुत मज़ा आया, करीबन 200 बच्चे थे और 201वां बच्चा मैं था, और 202वां बच्चा सिनेमा है, क्योंकि सिर्फ 100 साल पुराना, बाकी सारे 5000 साल पुराने आर्ट फॉर्म में, ये 100 साल नया सिनेमा जो यहाँ पे इन्होंने रचा है, ये भाई साहब की विजन और उनके बच्चों के जो जितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, पूरा ऐसा लग रहा है कि सिनेमा का जर्नी चल रहा है यहाँ। सपना बन साजन आए, हम देख देख मुस्काए, हम देख देख मुस्काए, ये नैना भर आए शर्माए, सपना बन साजन आए। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस 100 years का एक हिस्सा बनने का मौका ईश्वर ने दिया है, और इस दौरान काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, काफ़ी सारे सिंगर्स, ऑलमोस्ट ऑल द सिंगर्स, जितने भी मेरे सीनियर्स थे, सभी के साथ मुझे गाने का मौका मिला। एंड राइट फ्रॉम SD बर्मन जी, मुझे तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। आई बीन वेरी वेरी लकी, और दादू के साथ तो काम किया ही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि 100 साल कंप्लीट हुए, और इन 100 साल के कंप्लीट होने पर मैं एक छोटा सा हिस्सा बना, ये सबसे बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। और मैं उन लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करना चाहता हूँ, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, जिन लोगों ने फिल्म लाइन को जन्म दिया।